भारतीय जनता पार्टी आर्यमंडल अजमेर का बूथ स्तरीय विशाल सम्मेलन रविवार को अजय नगर स्थित साईं बाबा मंदिर के प्रांगण में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत के सान्निध्य में संपन्न हुआ। बूथ स्तरीय सम्मेलन में आर्यमंडल के सभी 54 बूथ की समितियों के सदस्यों सहित भाजपा व अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए श्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है तथा देश में भाजपा ही ऐसा राजनीतिक दल है जहां पर संगठन के लिए काम करने वाला कहीं भी कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व तक जा सकता है। चतुर्वेदी ने कहा कि आगामी लोकसभा का चुनाव भारत के इतिहास में ऐसा पहला चुनाव होगा जब देश की जनता स्वयं देश के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चयन करेगी। और अपन सब एक निश्चय के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं, लंबे समय से अपने उस मिशन को पूरा करने के लिए अपन, जैसा लखावत जी ने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार लगे हुए। आज अगर देश की बात की जाए तो देश के सभी राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जिसमें कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं की योजना और कार्यकर्ताओं के आधार पर काम, इसके आधार पर चर्चा की जाती है। और देश का एकमात्र ऐसा दल है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के किसी भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। अपने सामने उदाहरण है, चाहे वो अटल जी की चर्चा की जाए, चाहे वो शिवराज सिंह की चर्चा हो, चाहे रमन सिंह की चर्चा हो, चाहे राजनाथ सिंह जी जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता के नाते अपना जीवन शुरू किया और पार्टी के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, और चाहे दो दिन पहले जिस कार्यकर्ता और आम जन की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, जिसने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाते से जिनका नाम सामने रखा है, श्रीमान नरेंद्र मोदी की चर्चा। देखो ये शोभायमान, ये चीज केवल भारतीय जनता पार्टी मिलेगी आपको, बाकी किसी दल में कार्यकर्ता के आधार पर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा हो या उस दल के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा हो, ऐसी किसी पार्टी में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला। आने वाला चुनाव देश का ऐसा पहला चुनाव होगा शायद, लखावत जी बैठे हैं और देश की राजनीति के बारे में आपका चिंतन और पूरा दृश्य आपके सामने रहा है, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्ति जिसने राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा, शायद ये पहला अगला चुनाव जो होगा लोकसभा का, ये पहला देश का ऐसा चुनाव होगा जिसमें देश की जनता एक रेफरेंडम करेगी। निश्चित रूप से नरेंद्र भाई पार्टी के प्रतिनिधि के नाते खड़े होंगे, लेकिन देश की जनता अपना नेता स्वयं चुनेगी और नरेंद्र मोदी आज आम जन की चॉइस के नाते देश के सामने खड़े होंगे। कांग्रेस की बड़ी चर्चा मेरे से पहले कई वक्ताओं ने की है। केंद्र में भी कांग्रेस का शासन है, राजस्थान में भी कांग्रेस का शासन, और सौभाग्य से आज तुलना भी हम कर सकते हैं, क्योंकि देश में एक समय रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश की सत्ता को भी नेतृत्व दिया है और राजस्थान की सत्ता पे भी एक बार नहीं चार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतृत्व कर चुके हैं, राजस्थान में अपना शासन दे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि पार्टी पिछले अनेक सप्ताहों से सक्रिय व चरणबद्ध रूप से संगठनात्मक कार्य कर आने वाले 2.5 माह में प्रत्येक बूथ स्तर के कार्यकर्ता का दायित्व अधिक बढ़ जाता है। इस समय अवधि में पार्टी की योजना अनुसार सभी अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से जुट जाएं। अगर गरीबी हट गई तो आज एक खाली रोटी देने की नौबत 2013 में क्यों आ रही? हर बार एक नया नारा देते हैं, और इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि कुल मिलाकर इस बार इनकी चाल में फंसने की आवश्यकता है, इनकी 3-4 बातों पर आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, और माताएं बहने विशेषकर आपको इस बात का ध्यान करना पड़ेगा कि श्रीमती सोनिया गांधी ने इस बार 3 काम किए। आप और ये अच्छी तरीके से जानते हो कि सोनिया गांधी अपने देश में पैदा नहीं हुई,
उसका पीएन न चंडीगढ़ में है, न हैदराबाद में है, न इलाहाबाद में है, न जयपुर में है, न अजमेर में। उसका पीएन इटली में है। और इसलिए आपने इन दिनों, जब मैं कई दिनों पहले से जब भाषण देता था तो मेरे मित्र मुझे कहते थे कि लखावत जी आप ये कहते हो कि अमेरिका का दिवाला निकल गया, इंग्लैंड का दिवाला निकल गया, पर पिछले महीने की आपको घटना बताता हूं कि अमेरिका के अंदर ये आधिकारिक रूप से सूचना है कि उनके पास अक्टूबर महीने के बाद केवल 3 दिन का पैसा बचेगा, बाकी सारा खजाना उनका खाली हो गया। अमेरिका के 36 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने दिवालिया घोषित करने के लिए अदालत में अर्जी लगा दी है। कुल मिलाकर अमेरिका के पास सुबह और शाम खाने की रोटी का बंदोबस्त भी नहीं बचा है। यही हालत इंग्लैंड की है, यही हालत जापान की है, यूरोप के अन्य देशों की हालत भी यही है। और इन सब देशों ने मिलकर के एक फैसला किया कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां का जवान कमाना जानता है, जहां का किसान पैदा करना जानता है, जहां के घर और गृहस्थी के अंदर जीने की आदत है और जहां के बाजार में पैदा करने की हिम्मत है। और इसलिए उन सब ने मिलकर के एक तय किया कि अब वो हिंदुस्तान पर हमला करके तो कब्जा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अपनी एक बेटी वहां की बहू है, वहां की सरकार पर उसका कब्जा है, इसलिए उसके मार्फत हिंदुस्तान का धन अब इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, जापान और इटली में कैसे जाए, इसलिए उन्होंने एक आदेश निकलवाया। माता जी अच्छी तरह सुन लेना, भाई साहब आप भी सुन लेना, ये केवल एक सम्मेलन नहीं है। उन्होंने इस बात का फैसला करा कि हिंदुस्तान के अंदर जो फुटकर बंदा है, किराने का काम है, वो विदेशी लोग आकर के यहां कर सकेंगे, ऐसा कानून सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह से पास करा दिया। अब आपके यहां पर आलू बेचने का काम, आपके यहां बैंगन और आपके यहां तोरू और आपके यहां टमाटर बेचने का काम अब मेरा मिश्री काका और मेरी प्यारी भाई नहीं करेगी। अब यहां कोई इंग्लैंड और अमेरिका से आया हुआ रोबस्टन और कोई सैम्यूल या सब्जी बेचने का काम विदेश का आदमी करेगा, ये सोनिया गांधी ने कानून बना दिया। आपको अब तेल चाहिए, आपको हल्दी चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, आपको खाने पीने का और सामान चाहिए, आपको बर्तन चाहिएंगे, तो अब यहां बिरदी चंद जी की दुकान पर सामान नहीं मिलेगा। अब यहां काम करने का काम करेंगे। भाजपा प्रदेश मंत्री तथा विधायक अनिता बधेल ने कहा कि भाजपा शासन में अजमेर में विकास के कई आयाम स्थापित हुए तथा अजमेर बड़े महानगरों में उपेक्षा के चलते अजमेर विकास के क्रम में पिछड़ा है। अब तो पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि रोजमर्रा की बात हो गई है। भाजपा कांग्रेस मुक्त शासन व भाजपा के सुशासन के लिए घर घर जाकर जनसंपर्क करेगी। क्या
जिलाध्यक्ष राजा सिंह रावत ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली सरकार है जिसने जल थल आकाश तीनों में भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित कर लगातार एक के बाद एक घोटालों से देश की छवि में विश्व स्तर पर गिरावट आई है। राज्य सरकार ने भी अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। समय बड़ा विकट आ गया है, समय को जिसने नहीं पहचाना उसने मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो खून से कटना पड़ा है। हमारे राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय श्री अरुण जी चतुर्वेदी साहब हमारे बीच में पधार रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका हार्दिक स्वागत करें। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जिंदाबाद की जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, आवाज नहीं आई है, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, मानिया वसुंधरा जी जैसा हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो। सैनिकों के लिए बनना था मुंबई में समुद्र के किनारे, उसमें करोड़ों का घोटाला हो गया, 2G स्पेक्ट्रम के अंदर राजा बजा गया बाजा केंद्रीय सरकार का, और जेल के शिक्षों में भी पड़ा, ये भी कहते रहे कलमाडी के लिए कहते रहे, और उसके साथ साथ में वो कन्नी मौजी वो भी मौज करके चली गई, करोड़ों रुपए उसके खाते में जमा हो गए, ये सब कहते रहे। और तो और आज हमारे जो प्रधानमंत्री बड़े अर्थशास्त्री कहलाते हैं, अब अर्थशास्त्री है या अनर्थ शास्त्री है ये तो आप अंदाजा लगाएं, लेकिन पहले आजादी के समय में हिंदुस्तान का 1 रुपया अमेरिका के 1 डॉलर के बराबर था, आज आजादी के 65 वर्षों के बाद हिंदुस्तान का 68 रुपया 68 रुपीज इज इक्वल टू 1 डॉलर 1 डॉलर के बराबर है, इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके रुपए की कीमत कितनी। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंडल अध्यक्ष नरपत सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि भाजपा आर्य मंडल पार्टी की नीति व निर्णयों के अनुसार लगातार गतिशीलता से कार्य कर रहा है तथा आने वाले चुनावों में संगठन द्वारा निर्धारित रूप से रेखानुसार प्रत्येक बूथ तक सक्रियता से कार्यरत रहेगा। इस अवसर पर मंडल के अंतर्गत आने वाले वार्ड्स के कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार से 4.5 साल से अधिक हुआ कांग्रेस की सरकार चल रही है, 4.5 साल वो पूरी तरह से कुराज का शासन है, आम आदमी पूरी तरह त्रस्त है और पिछले भाजपा शासन को याद करता है। वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो सरकार चला, आज आम आदमी समझता है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो राजस्थान फिर एक बार देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों में होगा, हम स्वराज की स्थापना करेंगे। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उसने केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं आम जनता में एक अलग प्रकार का भाव दिया, उन सबको विश्वास हुआ है कि अब पूरा भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा, स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा, एक स्वयं अपने आधार पर निर्णय लेने वाला ऐसा प्रांत होगा। भारतीय जनता पार्टी आर्य मंडल का आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें हमारे उद्घाटनकर्ता श्री ओंकार सिंह जी लखावत पधारे, पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी जी पधारे, अनिता बधेल जी जो वर्तमान विधायक हैं वो पधारी, और शहर जिला अध्यक्ष वो भी पधारे, और BLA 1 और BLA 2 जो आर्य मंडल के हैं वो सारे उपस्थित।